कैप्सिकम को भी हमें स्पैजम्स में याद रखना चाहिए और गले के स्पैजम में भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए, तजुर्बा करके देखना चाहिए। ठीक है, और क्या बताया था, किस चीज में पाया जाता है? चारा जो खुश्क हो जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी याददाश्त खुश्क नहीं हुई पूरी तरह है माशाल्लाह, और जो जवान है उनकी खुश्क हो गई है। आपकी उम्र 70 से ऊपर हो गई है ना? 70 है माशाल्लाह, और आपकी याददाश्त बड़ी वाजी है अल्लाह के फजल से। नहीं मेरी दुआएं तो सबके लिए हैं, आप पर काम हो रहा है बाकियों पे नहीं हो रहा इसलिए मुहावरा नहीं कहना चाहिए आपकी दुआएं हैं, ये दुआ की ये दरअसल बेइज्जती है। नहीं मैं मेरी बात सुन लीजिए, मैं समझा रहा हूँ, लोग मुहावरा नहीं आपकी दुआ है, खाम खा बैठे बिठाए, हालांकि वो दुआ ना भी की गई हो यदि आपकी दुआ है। एक आदमी ने कोई अजीब सी हरकत की थी, मैंने उसको कहा ये क्या कहते आपकी दुआ है, मैंने कहा इन्ना लेला, मैंने कहा दुआ दी थी कि तू ऐसी हरकतें करो, तो लोगों को आदत पड़ जाती है। जो मुहावरे मजहबी हों और दीन से ताल्लुक हो उनको अकल से और गौर से इस्तेमाल करना चाहिए, मुहावरा तन नहीं रखना चाहिए मुंह पे। हमारे बाद और लोगों को भी आदत है यूं ही हर बात पे बेवजह आपकी दुआ है, तो ये दरअसल दुआ का नहीं बल्कि जिसको कहा जाता है उसका गोया एहतराम पेश नजर है, लेकिन झूठे एहतराम का तो कोई फायदा नहीं है। मैं आप ये नहीं कह रहा कि आपने जान के ऐसा किया, मैं आपके बहाने सब दुनिया को समझा रहा हूं कि ये बात गौर से कहनी चाहिए फिक्र के साथ। आपकी दुआ का किसी दुआ के लिए कहा गया हो, मालूम हो कि उसने किसी मामले में दुआ की है तो फिर जायज है, वरना हर अल्लाह के फजल को किसी की दुआ बना देना बिल्कुल नाजायज बात है। दुआ से भी तो फजल ही होता है, मगर सिर्फ दुआ का मोहताज तो नहीं, वैसे ही अल्लाह के फजल होते रहते हैं। ठीक है, अच्छा चलें, ये भी एक इलाज का मौका मिल गया साथ। बहर आपका दिमाग माशाल्लाह रोशन है और याददाश्त बड़ी अच्छी है, मैंने देखा अब तक जितने सवाल करता हूँ उसमें आपको याद रहता है।